दोस्तों ये रेड स्नेक है, इसने एक बेबी रेड स्नेक को शिकार किया है, लेकिन समय रहते हुए हम आ गए थे और काफ़ी संघर्ष कर रहे थे ये एक दूसरे को ये खाने के लिए, रो बचाव के लिए, लेकिन ये काफ़ी बिग साइज का है इसलिए वो अपना बचाव नहीं कर पाया। ये एक ही प्रजाति के हैं दोनों, धामण बोलते हैं इनको हिंदी में और मारवाड़ी में घोड़ा पछाड़। ये काफ़ी बिग साइज का है, 6 से 7 फीट की इसकी हाइट है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वीडियो में 7 से 8 फीट के धामण, जिनको इंग्लिश में रेड स्नेक और मारवाड़ी में घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, इस सांप में किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। और मैं थोड़ा जनता से भी निवेदन करता हूँ कि 10% जो सांप है उनमें जहर होता है, बाकी सभी सांपों में जहर नहीं होता है। आपके आसपास में कहीं पे भी बेजुबान आ जाते हैं, इस प्रकार का कोई जीव जंतु दिखाई देता है, तो आप कोबरा टीम से संपर्क करें, क्योंकि खतरा तो बना ही रहता है और इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के साथ साथ इंसानों को भी ये बहुत कुछ देते हैं हमें, तो इनको बचाना बहुत अति आवश्यक है। और अभी वाइल्ड एक्ट में इनका लिए एक्ट भी बनाया हुआ है, आप अगर किसी भी एनिमल को मारते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी, आपकी टीम किस तरीके से इसको बचाव कार्य करती है और लगभग कितने हैं टीम में लोग? हाँ, कोबरा टीम राजस्थान एक मेरे एक एनजीओ का हिस्सा है, जिसका मैं नेतृत्व में खुद करता हूँ, और अजमेर सहित आसपास के जितनी भी तहसील है 25 से 30 वॉलेंटियर्स मेरे तैयार हैं, जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर हर जगह मौके पर पहुंच जाती है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? आप अगर किसी भी बेजुबान को बचाने के लिए आपकी अगर मन की इच्छा है और आप बचाना चाहते हैं, तो आप मेरे जो दिए गए नंबर है वो है 8290-7565 और 8290-14200 पे आप सांप की या किसी भी एनिमल की सूचना दे सकते हैं। कितनी देर में आपकी टीम पहुंचेगी? 30 मिनट के अंदर अंदर हर जगह मेरी टीम मौजूद है, पहुंच जाएगी। पकड़ने के बाद आप इसका क्या करते हैं? अभी जो जितने भी मेरे द्वारा पकड़े गए सांप है या मेरी टीम के द्वारा पकड़े गए हैं, जहाँ पे भी एक वन्य क्षेत्र आता है, वन विभाग के बताए गए निर्देशानुसार उसी क्षेत्र में उसको रिलीज किया जाता है बिना किसी नुकसान के। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वीडियो में 7 से 8 फीट के धामण, जिनको इंग्लिश में रेड स्नेक और मारवाड़ी में घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, इस सांप में किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। और मैं थोड़ा जनता से भी निवेदन करता हूँ कि 10% जो सांप है उनमें जहर होता है, बाकी सभी सांपों में जहर नहीं होता है। आपके आसपास में कहीं पर भी बेजुबान आ जाते हैं, इस प्रकार का कोई जीव जंतु दिखाई देता है, तो आप कोबरा टीम से संपर्क करें, क्योंकि खतरा तो बना ही रहता है और इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के साथ साथ इंसानों को भी ये बहुत कुछ देते हैं हमें, तो इनको बचाना बहुत अति आवश्यक है। और अभी वाइल्ड एक्ट में इनका लिए एक्ट भी बनाया हुआ है, आप अगर किसी भी एनिमल को मारते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी, आपकी टीम किस तरीके से इसको बचाव कार्य करती है और लगभग कितने हैं टीम में लोग? हाँ, कोबरा टीम राजस्थान एक मेरे एक एनजीओ का हिस्सा है, जिसका मैं नेतृत्व में खुद करता हूँ, और अजमेर सहित आसपास के जितनी भी तहसील है 25 से 30 वॉलेंटियर्स मेरे तैयार हैं, जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर हर जगह मौके पर पहुंच जाती है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? आप अगर किसी भी बेजुबान को बचाने के लिए आपकी अगर मन की इच्छा है और आप बचाना चाहते हैं, तो आप मेरे जो दिए गए नंबर है वो है 8290-7565 और 8290-14200 पे आप सांप की या किसी भी एनिमल की सूचना दे सकते हैं। कितनी देर में आपकी टीम पहुंच? 30 मिनट के अंदर अंदर हर जगह मेरी टीम मौजूद है, पहुंच जाएगी। पकड़ने के बाद आप इसका क्या करते हैं? अभी जो जितने भी मेरे द्वारा पकड़े गए सांप है या मेरी टीम के द्वारा पकड़े गए हैं, जहाँ पे भी एक वन्य क्षेत्र आता है, वन विभाग के बताए गए निर्देशानुसार उसी क्षेत्र में उसको रिलीज किया जाता है बिना किसी नुकसान के।